जय हिंद महोदय, सेशन शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय राष्ट्रपति महोदय, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी, निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी श्री अमित गर्ग जी, 75 RR के मेरे सहकर्मी एवं सभा में उपस्थित सभी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं अनु बेनीवाल, IPS परिवक्षाधीन अधिकारी मध्य प्रदेश काडर, आपके समक्ष उपस्थित होने का सौभाग्य प्रकट करती हूँ। महोदया, मैं श्री अमित गर्ग जी, निदेशक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने स्वागत भाषण के द्वारा इस सभा को संबोधित करने के लिए आगे आए। धन्यवाद महोदया। जय हिंद महोदय। Honorable President of India, Honorable Union Home Secretary और सम्मानित गणमान्य व्यक्ति, मैं आज 75 RR जो कि 2022 बैच के IPS प्रोबेशनर्स को संबोधित करते और उनके साथ बातचीत करने की सहमति प्रदान करने के लिए भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह एक गौरवपूर्ण क्षण है और आपके सुझावों और प्रेरणात्मक शब्दों को सुनने के लिए आज हम सभी का उपस्थित रहना राष्ट्र पुलिस अकादमी के लिए सम्मान का विषय है। भारत के माननीय राष्ट्रपति 27/12/2022 को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र पुलिस अकादमी हैदराबाद का दौरा किया था और आपने उस दौरे में 74 RR जो कि पिछला बैच 2021 को आपने IPS प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की थी। आज आपके समक्ष 32 महिला अधिकारी सहित 75 RR 2022 के 155 प्रशिक्षु अधिकार उपस्थित हैं जिन्होंने राष्ट्र पुलिस अकादमी में 29 सप्ताह का बेसिक ट्रेनिंग पूरा किया और 27 अक्टूबर 2023 को अकादमी में उनका दीक्षांत परेड समाप्त हुआ। 155 अधिकारी प्रशिक्षुओं में से 79% पुरुष हैं और 21% महिलाएं हैं। बैच की औसत आयु 28 वर्ष है। 59% को उनका पिछले कार्य का अनुभव है। 60% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान से हैं जो कुल बैच के 41% हैं। NPA के फेज़ वन ट्रेनिंग के प्रशिक्षण के दौरान IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, फॉरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन, ICT, एटीट्यूड, एथिक्स, ह्यूमन राइट्स, क्रिमिनोलॉजी का इनपुट दिया गया। आउटडोर में फिजिकल ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन फायरिंग, योगा, अनआर्म्ड कॉम्बैट, फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स, मैप रीडिंग, मोटर ड्राइविंग, इक्विटेशन, स्विमिंग इत्यादि। इन 39 सप्ताहों के फेज ट्रेनिंग में 9 सप्ताह विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैचमेंट शामिल हैं जैसे ग्रेहाउंड्स, आर्मी, ITBP, BSF, CRPF, पार्लियामेंट, भारत द्यौरा एवं 2 सप्ताहों का दिल्ली का अटैचमेंट। ये IPS प्रोबेशनर्स December 4, 2023 से 30 सप्ताह के लिए अपने अपने कैडर में डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। इस चरण के दौरान उन्हें एक पुलिस स्टेशन के SHO के रूप में काम करके पुलिस स्टेशन प्रबंधन में ऑन द जॉब प्रशिक्षण मिलेगा और साथ ही उपमंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला उपमंडल प्रबंधन में व्यवहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्र निर्माण से आपका
आपका उत्साह सर्वविदित है। आपने अपने सार्वजनिक जीवन में जनता के उत्थान के लिए सरकारी योजनाएं के प्रति काफ़ी प्रयास किया है। राष्ट्र पुलिस अकादमी के निदेशक के रूप में मैं इन नए आईपीएस प्रशिक्षकों के साथ बातचीत करने की सहमति देने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी पहल और प्रोत्साहन उन्हें प्रेरित करेगा और उनके पूरे करियर के दौरान उनका मार्गदर्शक बनेगा। जय हिंद। अब मैं अनुष्का कालिया को अपने एक्सपीरियंस के लिए निमंत्रण करता हूँ। माननीय राष्ट्रपति महोदया, मैं अनुष्का कालिया भारतीय पुलिस सेवा के 75वें बैच से हूँ। मुझे आगमुट काडर प्राप्त हुआ है। आज मैं आपके समक्ष अपनी ट्रेनिंग के कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगी। सर्वप्रथम, मेरा अनुभव आपसी संयोग पर आधारित है। हमारी ट्रेनिंग प्लटून स्तर पर होती है। हर प्लटून में करीब 20 से 22 लोग रहते हैं। शुरू में इन्हीं चंद लोगों के साथ पूरा दिन व्यतीत करना कठिन लगता था, पर जैसे ही ट्रेनिंग आगे बढ़ी, हमें ट्रेनिंग में काफ़ी मुश्किलें आईं, तभी इन्हीं सहकर्मियों का संयोग मदद आया। बल्कि यही सहयोग काफ़ी बार गहरी मित्रता में भी परिवर्तित हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी इसी बात का। हमारी अकादमी हमको ग्रेहाउंड्स अटैचमेंट के लिए भेजती है, जिसके अंतर्गत हमको 5 दिन जंगल में गुजारने होते हैं। इसी ऑपरेशन में हमको एक एम्बुश ऑपरेशन करना होता है, जिसमें पूरी रात हमको दुश्मन के इंतज़ार में आड़ लेनी होती है। परंतु जिस दिन हमारा एम्बुश ऑपरेशन था, उसी दिन रात को 2 बजे बहुत तेज़ बारिश हुई, और क्योंकि ऑपरेशन 5 बजे तक चलना था, हम सब एक साथ बहुत तेज़ वर्षा में भीगते रहे। इस अनुभव ने हम सब में एक अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर हमारी अकादमी में हमको कई रूट मार्च भी करने होते हैं, और मेरा मानना है कि ये रूट मार्च तभी सफल हो पाए क्योंकि हमको एक दूसरे का सहारा था। इस ट्रेनिंग ने हमको सिर्फ व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि आपसी तालमेल भी सिखाया। महोदया, मेरा दूसरा अनुभव काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। काफ़ी समय ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग को लेकर मन में काफ़ी प्रश्न आते थे, हम सबको ही। हमको छुट्टियां नहीं मिलती थी, और एक समय ऐसा था कि पूरा दिन हम पुलिस स्टेशन विज़िट करके वापस रात को 1 बजे लौट कर आए थे, और सुबह फिर 5 बजे हमको पीटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा गया था। पूरी रात नाइट ड्रिल करने के बाद सुबह फिर इंडोर सेशन अटेंड किया। उस समय जब भी हम अध्यापकगण से यह प्रश्न पूछते, तो हमको ये कहा जाता कि पुलिस की नौकरी ऐसी ही है। आज ट्रेनिंग पूरी होने पर जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो समझ आता है कि यह टाइट शेड्यूल ने हम सब में मानसिक रिजिलियंस का विकास करा। एनपी के ट्रेनिंग ने ना ही सिर्फ हमको कुशल बनाया और शारीरिक तौर पर सशक्त करा, बल्कि मानसिक तौर पर भी मजबूत करा। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे एनपीए की ट्रेनिंग करने का अवसर प्रदान हुआ। मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। अब मैं प्रशिक्षु अधिकारी ऋषभ बोला को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। धन्यवाद। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में कदम रखना एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने जैसा था, जहां सीखा गया हर कौशल और मूल्य मेरे परिवर्तन के कैनवस पर ब्रशस्ट्रोक बन गया। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह यात्रा मुझे महत्वपूर्ण अवसर,
भारत की माननीय राष्ट्रपति के सामने खड़े होने तक ले जाएगी। भारत के आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, देवियों और सज्जनों, वरिष्ठ अधिकारीजन, सम्मानित अतिथियों और मेरे 75 RR के दोस्तों, मैं ऋषभ भोला, 75 RR IPS पंजाब काडर, ऐसी प्रतिष्ठित सभा को संबोधित करने के मौके के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे ही मैंने अपना अनुभव साझा करने की तैयारी करता हूँ, मैं उन अविश्वसनीय पाठों पर विचार करता हूँ जिन्होंने मुझे सिर्फ एक लॉ एनफोर्समेंट अधिकारी से कहीं अधिक बनाया। फियर ऑफ हाइट्स, स्विमिंग, पब्लिक स्पीकिंग हम में से कई लोगों के लिए एक व्यक्तिगत जीत थी। जैसे ही हमने इस डर पर विजय प्राप्त की, ये कहावत, जब तक हम अपने डर का सामना नहीं करते आप ये नहीं जान पाते कि आप क्या करने में सक्षम हैं, मेरे साथ गूंज उठी। यह विकास और साहस का प्रतीक बन गया और मैंने इस नई बहादुरी को अपने प्रशिक्षण के हर पहलू में शामिल किया। घुड़सवारी और एंड्योरेंस ट्रेनिंग ने मुझे दृढ़ता की शक्ति सिखाई। मैं इस विचार पर कायम रहा कि यह सब तेज होने के बारे में नहीं है, यह हार मानने से इनकार करने के बारे में है। सैडल और ट्रैक मेरे लिए कक्षाएं बन गई जहां मैंने शारीरिक और मानसिक रूप से चुनौतियों का सामना करने का महत्व सीखा। उन्नत हथियारों, यहां तक कि रॉकेट लॉन्चरों को भी संभालना एक गहरी जिम्मेदारी के साथ आता है। मुझे खुद को लगातार याद दिलाया मैंने कि महान शक्ति के साथ महान जिम्मेदारी भी आती है। यह केवल मारक क्षमता के बारे में नहीं था, यह इसे व्यापक भलाई के लिए विवेकतापूर्ण तरीके से उपयोग करने के बारे में भी था। इसलिए जब मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक बैज नहीं है बल्कि परिवर्तन की एक पूरी कहानी है, और प्रत्येक चुनौती, प्रत्येक पाठ ने इस बड़ी तस्वीर में योगदान दिया है। राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में यह यात्रा एक प्रशिक्षण स्थल से कहीं अधिक थी। यह एक ऐसा गढ़ था जहाँ कच्ची क्षमता एक प्रहरी में बदल गई। जैसा कि मैं अपना अनुभव साझा करता हूँ, मुझे आशा है कि मैं न केवल प्रशिक्षण की कठोरताओं बल्कि उन मूल्य को भी बता पाऊँगा जिन्होंने मुझे आज आपके सामने खड़े व्यक्ति के रूप में आकार दिया है। यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं है, यह विकास की शक्ति, रिजिलियंस और अंत में मैं कहना चाहूँगा सेवा और सुरक्षा के प्रति अटूट कमिटमेंट का प्रमाण है। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत का प्रत्येक नागरिक आपके उदार हृदय एवं उच्च प्रतिष्ठा से परिचित है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें भारत की सर्वोच्च शख्सियत के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इन महत्वपूर्ण क्षणों को प्रेरणादायक बनाने के लिए मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपने विवेक, ज्ञान एवं अनुभव को साझा कर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। धन्यवाद महोदय। जय हिंद। वर्ष 2022 बैच के आप सभी IPS प्रोफेशनर से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आप सब कठिन परिश्रम के बल पर कड़ी प्रतिस्पर्धा में सफलता प्राप्त करके IPS के लिए चुने गए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपका प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आप सब पुलिस अधिकारियों के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। पुलिस प्रशासन तथा लॉ एंड ऑर्डर का प्रमुख दायित्व राज्य सरकारों पर होता है, लेकिन आप सब IPS ऑफिसर्स राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति कर गए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करेंगे। इस प्रकार देश के पुलिस व्यवस्था को अखिल भारतीय सूत्र में पेरोने का कार्य इंडियन पुलिस सर्विस के आप जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मुझे बताया गया है कि आप सब अपनी ट्रेनिंग के दौरान NPA सॉन्ग यानी नेशनल पुलिस एकेडमी के गीत गाते हैं। उस गीत में आपकी भूमिका और आपके आदर्शों को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है। हर दिशा से चुनकर आए,
हर दिशा से चुनकर आए, कुछ ऐसा हम कर जाए। व्यक्तित्व तराशो ऐसा जो मूल के काम आ जाए। आप में से अनेक प्रोबेशनर्स भविष्य में अधिकारी के रूप में समय समय पर BSF, CRPF, CISF और NSG जैसे गृह मंत्रालय के नेतृत्व में संचालित केंद्रीय पुलिस बलों को भी सेवाएं प्रदान करेंगे। राज्य स्तर पर तथा राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों ने देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने में अमूल्य योगदान दिया है। इसके लिए मैं वर्तमान और पूर्व के सभी पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को सराहना करती हूँ। कर्तव्य पथ पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों के स्मृति में यहाँ से थोड़ी ही दूर में चाणक्यपुरी में नेशनल पुलिस मेमोरियल की स्थापना की गई है। मैं सभी देशवासियों की ओर से पुलिस बलों के उन बलिदानी वीरों को नमन करती हूँ। डियर IPS प्रोबेशनर्स, वर्ष 2022 के इस बैच में महिलाओं की संख्या लगभग 22% है। मुझे बताया गया है कि इंडियन पुलिस सर्विस में 554 महिला अधिकारी कार्यरत है, जो कि तैनात अधिकारियों की कुल संख्या 4344 का लगभग 13 यानी 13% है। मुझे विश्वास है कि महिला IPS ऑफिसर के कुल नंबर और परसेंटेज में वृद्धि होती रहेगी। मैं चाहूँगी कि सभी महिला IPS ऑफिसर्स तथा पुलिस बलों में कार्यरत सभी महिलाएं एक दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाएं और अपने अनुभवों से परस्पर लाभान्वित हो। मैं खुशी हूँ कि अभी एक महिला ऑफिसर ने अपने अनुभव साझा किए और कैसे वो एक दूसरे के साथ एकजुट रह कर के बहुत से बड़ा बड़ा चैलेंजेस को वो ओवरकम किया। इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों का सर्विस, आप लोग ऐसे सर्विस चुने हैं कि ये चैलेंजेस भरा रास्ता है, लेकिन देश के लिए आप लोगों का साहस, आप लोगों का हौसला बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी मैं वहाँ भी थोड़ी बहुत अपने से बोली थी कि कभी ऐसे जब देश आज़ाद हुआ इसके पहले या इसके बाद या कुछ दिन, क्योंकि आज़ाद इंडिपेंडेंट जो होने से पहले का जो हम पराधीन थे, तो लोग कहते हैं पुलिस आ जाएगा तुम चुप जा, बच्चों को बोलते थे क्योंकि डरते थे पुलिस, लेकिन पुलिस हम लोगों का ये डर का नहीं है, सहयोगी है। इसे एक पुलिस और पब्लिक का रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। पुलिस अपने भाई समझे, अपने अपना समझे, यही होना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने में तथा सेंसिटिव और फ्रेंडली पुलिसिंग की अपेक्षा को पूरा करने में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष भूमिका रहेगी। आप कहते हैं महिलाओं के बारे में इतना क्यों कहा जाता है, क्योंकि देश में 50% महिलाएँ हैं और भी महिला पुलिस की तैनात जरूरी है। मैं खुश हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पुलिस विभागों में महिलाएं या गर्ल्स पुलिस आ रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही अच्छी निशान है। मुझे लगता है इन फ्यूचर अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन फ्यूचर और भी आएंगे। डियर IPS प्रोबेशनर्स, उपनिवेशवाद के दौर में विदेशी हुकूमत के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही प्रशासन का लक्ष्य होता था, लेकिन स्वाधीनता और समतामूलक लोकतंत्र में सभी नागरिकों की प्रतिभा और क्षमता के विकास हेतु अवसर प्रदान करना सरकार और प्रशासन का लक्ष्य है। भय और गुलामी की मानसिकता को समाप्त किया जाए तथा सभी नागरिक आत्मसम्मान के साथ विकास की यात्रा में भागीदार बने, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए। अमृतकाल के दौरान देश के समग्र रूप में
विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में पुलिस अधिकारियों को भी निर्णायक भूमिका रहेगी। स्वाधीनता भारत में वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रशासन का स्वरूप भी निर्धारित किया था। वे कहते थे, अधिकारियों के सक्षम बनाने के साथ साथ सच्चित्र, निष्पक्ष और संवेदनशील भी होना चाहिए। बस 1947 में युवा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, एबव ऑल आई वुड एडवाइस यू टू मेंटेन द अटमोस्ट इम्पार्शियलिटी एंड इनकरप्टिबिलिटी। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कानून व्यवस्था का सुदृढ़ होना एक अनिवार्य शर्त है। विश्व स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, स्थानीय स्तर पर ये देखा गया है कि जहाँ कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती है वहाँ उद्यमी निवेश नहीं करना चाहते हैं। अच्छी कानून व्यवस्था वाले क्षेत्र में प्रति निवेशकों से लेकर पर्यटकों तक सभी उत्साहित रहते हैं। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र के बहुआयामी विकास के पीछे वहाँ के पुलिस विभाग की केंद्रीय भूमिका होती है। पुलिस बलों के सामने साइबर क्राइम, ड्रग कार्टेल्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद सहित अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। नई नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के प्रभाव से परिस्थितियाँ तेजी से बदलती है। जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग अपराधी करते हैं और डीप फेक जैसे समस्याएं सामने आ रही हैं। पुलिस अधिकारियों को टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में हमेशा अपडेटेड रहना होगा और अपराधियों पर सदैव बढ़त हासिल करनी पड़ेगी। मुझे विश्वास है कि आप जैसे परिश्रमी और प्रतिभाशाली युवा अधिकारीगण सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे और भारत के भविष्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देंगे। मैं आप सबके गौरवशाली भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।